ओम शांति। राधिका सिस्टर, आप हो जी जॉइन? जी 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 ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चारों तरफ से ध्यान हटाकर अपना सारा ध्यान अपनी श्वासों पर लेकर आएंगे। मन में और कोई विचार नहीं, सिर्फ अपने सांसों को देखना है। अब अपना सारा ध्यान अपने मस्तिष्क के अंदर उसके बिल्कुल बीचों बीच एक चमकती हुई ज्योत, बहुत सुंदर, उस ज्योत को देखेंगे। जैसे एक अंधेरे कमरे में एक जागती ज्योत चल रही है, ये मैं हूं। मैं आत्मा जो आउट स्वरूप हूँ, जागती ज्योत हूँ। मेरा प्रकाश पूरे ब्रेन को, पूरे शरीर को प्रकाशित कर रहा है। मैं आत्मा ही इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। बुद्धि के नेत्र के द्वारा स्वयं का दर्शन करेंगे। अब स्वयं को देखेंगे बाप दादा के सामने। फरिश्ता स्वरूप में मैं बाप दादा के बिल्कुल सामने बैठी हूँ। बाप दादा अपनी शक्तिशाली दृष्टि मुझे दे रहे हैं। बाबा बहुत प्यार से मेरे माथे पर तिलक लगाते हैं। ये सदा सुहागिन का तिलक है। सदा स्मृति स्वरूप मैं शिव शक्ति हूँ। मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा न कोई। संकल्प में भी मैं किसी और को याद नहीं करती, सिर्फ एक, सिर्फ एक बाबा, दूसरा न कोई। अपने मस्तक पर ये स्मृति का तिलक, भाग्य का तिलक, सदा सुहागिन रहने का तिलक देखेंगे। अब बाबा अपनी सारी गुण, शक्तियां, पवित्रता, ज्ञान, सब कुछ मुझे देते जा रहे हैं। और ये लाइट का ताज मेरे सिर के पीछे दिखाई दे रहा है। अपना अपना ताज देखेंगे जो सर्व प्राप्तियों से ये आत्मा को लाइट का ताज प्राप्त होता है। मैं आत्मा ज्ञान गुण और शक्तियों से भरपूर हूँ।
लाइट की ताजधारी, सौभाग्य की तिलकधारी, मैं सच्ची सच्ची शिव शक्ति हूँ। स्वयं बाबा ने मुझे अपना बनाया है, मैं बाबा की हो चुकी, मैं परम आत्मा की हो चुकी, उसके संग में रंग कर मैं भी हूं। महान आत्मा बन चुकी हूँ। सभी विकार इस योग अग्नि में भस्म होते जा रहे हैं। मैं संपन्न और संपूर्ण बन गई हूँ। स्वयं परमात्मा ने मुझे तराश कर इतनी सुंदर मूर्ति बना दिया है, जिसकी मंदिरों में आज तक पूजा होती जा रही है। मैं वही हूँ, मैं वही श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा हूँ। बाप दादा अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखते हैं। और वरदान देते हैं विजयी भव, सफलता मूर्त भव, निर्विघ्न भव, विश्व कल्याणकारी भव। इन वरदानों को दिल से स्वीकार करेंगे और महसूस करेंगे ये वरदान ही मेरा सुरक्षा कवच है। वरदाता, स्वयं वरदाता ही मेरा हो चुका है। मेरी विजय निश्चित है। बाप दादा को दिल से धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने मुझे कितना ऊंच, कितना श्रेष्ठ बना दिया। अपना श्रेष्ठ ताज और तिलक फिर से देखेंगे, और ये तिलक और ताज धारी में स्वयं आत्मा वापस अपनी देह में आ जाती हूँ। फिर से देखेंगे अपने आप को, उस सौभाग्य के तिलक को और लाइट के क्राउन को, लाइट के ताज को, और फिर से स्वयं को याद कराएंगे मैं शिव की सच्ची सच्ची शिव शक्ति हूं, सदा सुहागिन हूं, सदा एक बाप दूसरा न कोई, यही मेरा संसार है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की व्यक्तवाणी है 28 अप्रैल 1977 की। इसका पहला भाग है सदा सुहागिन की निशानियां। बाबा कह रहे हैं, सदा सुहाग के तिलकधारी श्रेष्ठ भाग्यवान सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माओं प्रति बाबा बोले, बाप दादा बच्चों के सुहाग और भाग्य को देख रहे हैं। सुहाग का तिलक और भाग्य का लाइट का क्राउन, ताज और तिलकधारी अर्थात सुहाग और भाग्य वाले। तो आज बाबा हमें ताज और तिलक
ये हमें स्मृति दिला रहे हैं कि हम भाग्यवान आत्माओं को ये ताज और तिलक जन्म से ही प्राप्त हुआ हुआ है। तो बाबा कहते हैं, सदा सुहाग की निशानी है अविनाशी स्मृति का तिलक। तो सदा सुहाग की निशानी क्या है? अविनाशी स्मृति का तिलक। तो जब भी तिलक लगाया जाता है तो कहाँ लगाया जाता है? माथे के बिल्कुल बीचों बीच। तो माताएं भी जैसे बिंदी लगाते हैं ना, तो वो किस चीज की निशानी है? सुहाग की निशानी है, सौभाग्य की निशानी है। तो इसलिए तो हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य क्या? अविनाशी स्मृति। मैं कौन, मेरा कौन, है ना? तो यही सबसे बड़ी स्मृति। तो सारा खेल अगर हम देखें तो स्मृति और विस्मृति का ही है। स्मृति है तो भाग्य है, विस्मृति है तो फिर से वही वही कौड़ी तुल्य बन जाते हैं। तो इसलिए ये सदा स्मृति का तिलक अपने भाग्य पर चमकता रहे, मैं कौन हूँ और मेरा कौन है और मुझे क्या करना है। बाबा कहते, सदा भाग्य की निशानी है पवित्रता और बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां अर्थात लाइट का क्राउन। ठीक है ना? तो बाबा हमें क्या दे रहे हैं? तिलक और भाग्य। तो भाग्य किस चीज से प्राप्त होता है? पवित्रता से और सब प्राप्तियों से। तो बाबा कहते हैं, तो इन जब ये पवित्रता और सर्व प्राप्तियां जमा हो जाती हैं, तो जैसे कि ये लाइट का क्राउन आत्मा को मिल जाता है। देवी देवताओं के सिर के पीछे दिखाते हैं ना वो लाइट का क्राउन, वो कैसे प्राप्त हुआ उनको? तो उनकी आत्मा क्योंकि पवित्रता से और सर्व गुण शक्तियों से इतनी सुंदर चमकती है कि वो लाइट उनके सिर के पीछे असल में दिखाई देती है। तो वो कैसे प्राप्त हुआ? संगम पर ही उन्होंने वो पवित्रता कमाई है, सर्व प्राप्तियां सर्व गुण कमाए हैं। तो बाबा कहते, स्मृति कम तो तिलक भी स्पष्ट चमकता हुआ नहीं दिखाई देगा। चमकता हुआ तिलक सदा बाप के साथ रहने के सुहाग की निशानी है। ऐसी सुहागिन तिलकधारी व सदा सुहागिन होने के कारण सदा विश्व के आगे श्रेष्ठ अर्थात ऊंच आत्मा दिखाई देती है। जैसे लौकिक रूप में भी सुहागिन को श्रेष्ठ नजर से देखते हैं और हर श्रेष्ठ कार्य में सुहागिन को ही आगे रखते हैं। अगर सुहाग गया तो संसार गया, ऐसे लौकिक में भी माना जाता है। इसी प्रकार अलौकिक जीवन में भी हर आत्मा एक साजन की सजनी है अर्थात सुहागिन है। सदा अपने सुहाग के तिलक को देखते हो, सदा एक की ही लगन में मगन रहने की निशानी स्मृति का तिलक अर्थात सुहाग का तिलक है। अगर तिलक मिट जाता है तो गोया अपने सुहाग को मिटा देते हैं। अपने आप से पूछो कि मैं सदा सुहागिन हूं? तो बिंदी का, उस तिलक का कितना महत्व है लौकिक रीति में भी, है ना? तो माताएं जरूर वो बिंदी वो तिलक लगा करके रखती हैं क्योंकि वो उनके वो सुहाग की निशानी है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ही अलौकिक जीवन में भी इस स्मृति का तिलक लगा करके रखते हो, क्योंकि ये विस्मृति में गया तो फिर सुहागिन का वो सारा जो यश है श्रेष्ठता है वो भी गई, सुहाग भी गया। तो स्मृति का तिलक ये सदा चमकता रहे, सदा स्मृति रहे कि मैं और मेरा कौन, अर्थात सुहाग का तिलक है। अगर तिलक मिट जाता है तो गोया अपने सुहाग को मिटा देते हैं। अपने आप से पूछो कि मैं सदा सुहागिन हूँ, माना मैं सदा स्मृति स्वरूप हूँ, मुझे याद रहता है या नहीं? सदा सुहागिन एक श्वास व एक पल भी साथ नहीं छोड़ती है। सदा सुहागिन के मन के बोल हैं, साथ रहेंगे साथ जिएंगे साथ मरेंगे, है ना? सच्ची सज्जनी तो ऐसी ही होती है ना, साथ रहेंगे साथ जिएंगे साथ मरेंगे। तो अपने आप को चेक करना है, मेरा बाबा के लिए इतना प्यार है या नहीं है। सदा सुहागिन के नैनों में मुख में साजन की सूरत और सीरत समाई हुई होती, कानों में उनके बोल ही सदा सुनने में आते हैं। जैसे भक्ति में अनहद शब्द सुनने के अभ्यासी होते हैं, बहुत प्रयत्न के बाद एक बार भी अगर शब्द सुनाई देते तो अपनी भक्ति को सफल समझते हैं।
ये सब भक्ति की रीति रसम इस समय के प्रैक्टिकल लाइफ से कॉपी की है। तो बाबा क्या बता रहे हैं कि जो अभी जैसे भक्ति मार्ग में कितना कुछ करते हैं, है ना, कि बहुत सारे वो ऐसे मंत्र जाप करते हैं या कोई शब्द, एक शब्द को बार बार रिपीट करते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको अगर फिर कभी छोटा सा कोई भी ऐसे मन में कोई नाद या कोई कोई ऐसे कुछ सुनाई दे जाए या दिखाई दे जाए तो कितना खुश होते हैं। तो इसलिए तो बाबा क्या कह रहे हैं कि हमें भी क्या करना है कि अगर जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में जो भक्ति में किया वही अब हमें इस ब्राह्मण जीवन में करना है। माना सदा सुहागिन अर्थात जिनके कानों में अनादि महामंत्र मन मना भव का स्वर गूंजता रहे। ठीक है ना, तो मन मना भव माना क्या, मन ही मन बाबा को निरंतर किसी संबंध के आधार से, किसी प्राप्ति के आधार से, किसी वरदान के आधार से, किसी स्वरूप के आधार से बाबा को याद करते रहें। तो ये है मन मना भव। मन किसी श्रेष्ठ प्राप्ति में, किसी विशेष संबंध को समझने में, उसका अनुभव करने में समाया रहे, तो ये हो जाएगा मन मना भव। तो बाबा कहते हैं कि सदा सुहागिन अर्थात जिनके कानों में अनादि महामंत्र मन मना भव का स्वर गूंजता रहे, सदा ये अनुभव करेंगे कि बाप ये महामंत्र बार बार सुनाते हुए स्मृति दिला रहे हैं। ठीक है ना, तो बार बार ये स्मृति याद रखनी है कि बाबा ने मुझे ये विशेष तिलक दिया हुआ है। फिर बाबा कह रहे हैं चलते फिरते यही अनहद अर्थात अविनाशी बोल बाप के सम्मुख सुनने का अनुभव करेंगे और कोई भी आत्माओं के बोल सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे, है ना। तो सदा सुहागिन कौन, जो बाबा के साथ ही बाबा की ही बातें उसके कानों में गूंजती रहे। माना मुरली के जो पॉइंट्स पड़े हैं ना तो उनको बार बार रिवाइज करते रहे। हाँ आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा, आज ऐसे कहा, मुझे ऐसे इस चीज को अपने अंदर धारण करना है, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में धारण करना है। जब बार बार यही बाबा के शब्द सुनाई देते रहेंगे तो ऐसी आत्मा को ही तो सदा सुहागिन कहा जाएगा ना। तो बाबा कहते और किसी आत्मा का नहीं सुनना है, क्योंकि बहुत आत्माएं बहुत कुछ सुनाने वाली है। तो बाबा कहते किसी और के नहीं सुनो, बस तुम ही से बोलूं, तुम ही से सुनूं व तुम्हारा सुनाया ही बोलूं, ऐसी स्टेज सदा सुहागिन की ही होती है ना। तो मुरली ही है सदा सुहागिन की निशानियां, तो देख रहे हैं ना हम कौन कौन सी निशानियां मिल रही हैं। तो वो आत्मा क्या होगी, कैसी होगी, जो बाबा के साथ हर पल हर सेकंड हर श्वास है। तुम ही से बोलूं, तुम ही से सुनूं व तुम्हारा सुनाया ही बोलूं, ऐसी स्टेज सदा सुहागिन की ही होती है। ऐसे सदा सुहागिन संकल्प में भी अन्य आत्मा प्रति एक सेकंड भी स्मृति में नहीं लाएगी, अर्थात संकल्प में भी किसी देहधारी के झुकाव में नहीं आएगी। लगाव तो बड़ी बात है, झुकाव भी नहीं। तो देखो कितनी ऊंची अवस्था है कि संकल्प में भी किसी से कोई लगाव नहीं। बाबा कहते झुकाव तो दूर की बात है, संकल्प में भी थोड़ा सा भी कि कभी वो झुकाव में भी नहीं आएगी, है ना, जरा सा भी उसके लिए नहीं। ये बहुत अच्छा है, ऐसा भी झुकाव नहीं आएगा। ये अच्छा है, क्यों अच्छा है, क्योंकि बाबा ने इसको ऐसा अच्छा बना दिया अपनी इतने सारा ज्ञान गुण शक्तियां दे करके। जब भी कोई अच्छा भी दिख रहा है तो बाबा याद आए कि इसको बनाने वाला, ऐसा बनाने वाला कौन। तो बाबा कह रहे हैं तो इस प्रकार सदा सुहागिन कैसी होगी, संकल्प में भी सदा एक बाप दूसरा ना कोई, जैसे लौकिक जीवन में भी पर पुरुष प्रति संकल्प करना व स्वप्न में भी आना सुहागिन के लिए महापाप गिना जाता है, ऐसे ही अलौकिक जीवन में भी अगर संकल्प मात्र भी स्वप्न मात्र भी कोई देहधारी आत्मा तरफ झुकाव हुआ तो सदा सुहागिन के लिए महापाप गिना जाता है। तो कितनी बड़ी बात है ये देखो। हाँ, तो जैसे लौकिक जीवन के साथ बाबा कंपेयर करके बता रहे हैं,
तो कोई अगर ऐसे स्त्री है ना, किसी की ऐसे मैरिड है, माता है कोई, और वो किसी दूसरे के बारे में उसके मन में कोई ऐसे झुकाव हो जाए, तो कितना बड़ा हम उसको समझेंगे कि हाँ इसका इसका चरित्र ऐसा है वैसा है ना। तो ऐसे ही अलौकिक रीति में भी बाबा बता रहे हैं कि किसी भी आत्मा के प्रति थोड़ा सा भी संकल्प में भी थोड़ा सा की भी झुकाव आता है तो एक सौहार्दिन आत्मा के लिए ये महापाप है। देखो हमारी जो अवस्था होनी चाहिए कितनी ऊंच होनी चाहिए। हम कितनों को मेरा 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 कह देते हैं, और सोचो हम तो अभी कभी इसको कभी महापाप में गिनते ही नहीं है, हम तो इसको गलती में भी नहीं गिनते। हमें तो लगता है अच्छा बच्चों के प्रति झुकाव तो होगा ही ना, उसके प्रति तो झुकाव होगा ही ना, लेकिन इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि ये भी पाप की कैटेगरी में जा रहा है, ये भी अपवित्रता की कैटेगरी में जा रहा है। तो अपने आप को इतना, जो हम बोलते रहते हैं कि जो आज बाबा ने मुरली चलाई त्रिकालदर्शी होकर के चलो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो समझ में आ जाता है ना। बाबा ने आज मैं शब्द के बारे में भी कितना बताया कि मैं आत्मा। हाँ तो फिर वही चीज है कि बार बार अपने आप को याद कराते जाएंगे मैं आत्मा, तो फिर परम आत्मा ही याद आएगा, फिर दूसरा कोई याद नहीं आ सकता। तो फिर बाबा आगे कह रहे हैं, तो सदा सुहागिन अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई। ठीक है, तो सदा सुहागिन अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे सुहाग का तिलक लगा हुआ है, माया तिलक मिटा तो नहीं देती। सदा सुहाग के साथ सदा भाग्य, सिर्फ सुहाग नहीं लेकिन भाग्य भी, अर्थात भाग्यवान हो। सदा भाग्यवान की निशानी है लाइट का क्राउन। ठीक है ना, तो अभी बाबा ने हमें तिलक के बारे में बताया कि तिलक जब लगा होता है एक सुहागिन का तो उसकी क्या निशानियां होती हैं। तो अभी बाबा हमें क्या बता रहे हैं, सौभाग्य की निशानी। सौभाग्य की निशानी क्या है, लाइट का क्राउन प्राप्त होता है ना, लाइट का ताज प्राप्त होता है। जैसे लौकिक दुनिया में भाग्य की निशानी राज्य अर्थात राजाई होती है, और राजाई की निशानी ताज होता है, ऐसे ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन है। उस ताज की प्राप्ति का आधार है प्योरिटी और सर्व प्राप्ति। ठीक है, तो दुनिया में लौकिक रीति में राजाई, उसका उसको कैसे पता चलेगा कोई राजा है, तो उसने वो ऐसे सिर पे मुकुट पहना होता है ना। तो ऐसे ही जो हमारी इसमें अलौकिक रीति से देखें तो यहाँ पर भी ताज प्राप्त होता है, तो वो कौन सा ताज है, लाइट का ताज है, प्रकाश का ताज है। और वो कैसे प्राप्त होगा, जो आत्मा जितनी पवित्र होगी तो उसके उस आत्मा के ऊपर वो मैल की परत ही नहीं है, असली में वो मैल की परत ही नहीं है, तो वो आत्मा उतनी ज्यादा शाइन करती है। तो जितनी ज्यादा पवित्रता उतनी ज्यादा आत्मा में प्रकाश भर जाता है, और वो आत्मा गुण शक्तियों से भरपूर हो जाती है, माना सर्व प्राप्ति स्वरूप हो जाती है। पवित्रता से गुण शक्तियां आनी ही है, तो सर्व प्राप्ति स्वरूप हो जाती, तो ऐसी आत्मा को वो लाइट का ताज स्वतः प्राप्त हो जाता है। बाबा कहते संपूर्ण प्योरिटी अर्थात मनसा में भी किसी एक विकार का अंश भी ना हो, और सर्व प्राप्ति अर्थात ज्ञान सर्व गुण और सर्व शक्तियों की प्राप्ति, अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, अपवित्रता और अप्राप्ति के बादलों में छिपा हुआ दिखाई देगा, स्वयं को सदा लाइट आत्मिक रूप अनुभव नहीं करेगा, कर्म में भी अपने को लाइट महसूस नहीं करेगा, बार बार मेहनत के बाद व अटेंशन रखने के अभ्यास के बाद अल्प समय के लिए स्वयं को डबल लाइट अनुभव करेगा, जैसे ही सोचेगा कि मैं आत्मा लाइट हूँ तो आत्मा के बजाय शरीर अर्थात देह अपने को अनुभव करेगा। ठीक है ना, तो ये क्या है, अगर अटेंशन नहीं रखा ना तो क्या होगा, हमें ये अनुभव नहीं होगा कि मैं आत्मा लाइट हूँ, बार बार देह खींच लेगा। बाबा कहते भाग्य का आधार सर्व प्राप्तियां है। ठीक है ना, तो भाग्य का आधार क्या है, सर्व प्राप्तियां है। तो जिसने जितनी ज्यादा प्राप्ति की
की होगी वो उतना ही उच्च पद प्राप्त करता है। तो भाग्य का आधार सर्व प्राप्तियां है, सर्व प्राप्तियों की निशानी है अविनाशी खुशी। कोई भी छोटी मोटी प्राप्ति भी हो जाए तो खुशी होती है ना, तो ये तो कितनी बड़ी प्राप्ति। तो सर्व प्राप्तियों की निशानी है अविनाशी खुशी, सदा भाग्यवान सदा खुश होगा। भाग्य कम तो खुशी भी कम, खुशी कम अर्थात सदा भाग्यवान नहीं। तो समझा, सदा सुहागिन और सदा भागिन अर्थात भाग्यवान की निशानियां क्या है। अब तो सब बातें सामने रखते हुए स्वयं को चेक करो कि मैं कौन हूँ। अच्छा, सदा सुहाग के तिलक धारी श्रेष्ठ भाग्यवान सर्व प्राप्ति स्वरूप सदा बाप के साथी, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादाजी को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। तो सभी अभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर हम मुरली का चिंतन करेंगे। ओम शांति। तो अभी सभी मुरली चिंतन शुरू कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज सुहाग की निशानी बहुत अच्छी बताई। अपने को पता ही नहीं था ये कैसा, ये पाप होता है, पुण्य कैसा होता है। मतलब वो किसी का बच्चा भी अच्छा है बोला तो पाप में गिना जाता है, ये पता नहीं था ना। किसी की प्रति थोड़ा प्रेम भी रखेगा तो ये भी पाप हो गया है ना। एक बाप दूसरा ना कोई, यही रहना चाहिए। पतिवर्ते की निशानी है, बाबा ने कहा। ओम शांति। जी बोलिए, जिनने हैंड रेस किया है वो बोल सकते हैं। ओम शांति सिस्टर। आज जो इस मुरली में बाबा ने सुहागन की निशानियां बोली है ना, तो बहुत सारी निशानियां बोली आज बाबा ने, लेकिन जो फर्स्ट वाली बोली है ना कि अविनाशी स्मृति का तिलक हमें रहना चाहिए। जब हमें खुद मैं आत्मा हूँ इस स्मृति का भान रहेगा तो और कुछ याद ही नहीं रहेगा, और परमात्मा ही याद रहेगा हमें। बाकी के जो जो बोले ना बाबा ने कि एक बाप दूसरा ना कोई, और जो साथ रहेंगे साथ मरेंगे साथ चलेंगे, तो ये हम आत्मा समझ के ही करेंगे ना, तो सब स्मृतियां आपे आप न, आ जाएगी। और मैं अविनाशी स्मृति आत्मा हूँ तो मेरा सिर्फ परमात्मा ही है, ये भी हमें सहज ही याद हो जाएगा। ओम शांति। हमें यही पहला ही धारण करना है कि मैं आत्मा अविनाशी स्मृति तिलक धारी हूँ। ओम शांति। जी बोलिए, जिन्होंने हैंड रेस किया एक एक करके बोलिए। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते हैं कि हमें खुश रहना है। अगर खुश रहेंगे तो भाग्य मिलेगा, अगर खुशी नहीं है तो भाग्य भी नहीं मिल सकती है। ओम शांति। जी बोलिए, तारा सिस्टर अपने हैंड रेस किए हुए बोल सकते हैं।
जी ओम शांति। बाबा ने कहा है कि सदा सुहाग की निशानी क्या है। बहुत सारी निशानियां बाबा ने दिया कि अविनाशी स्मृति का तिलक है। तो जैसे लौकिक में हम बिंदी लगाते हैं तो हम बोलते हैं कि हम सुहागिन हैं। तो बाबा ने कंपेयर करता कि मैं आत्मा एक साजन की सजनी हूँ और सदा एक ही लगन में मगन रहते हैं। जैसे लौकिक में आत्मा बिंदी लगा करके और अपने एक ही साजन में मगन रहते हैं, वैसे बाबा फिर आत्मा के एक ही साजन होता है और उसी में हमें लगन में मगन रहना है और उसी के साथ उसी को हम अपना संसार मानते हैं। उसी के साथ हमें जीना मरना है, उसी के साथ जाना है और उसी के साथ हमें सारा सर संबंध निभाना है। और तो हम अगर हम अपने सुहाग को भूले तो हम जानो अपना संसार खो दिया। तो बाबा ने हमें बताया है हमें आत्मिक रूप से देखना है, लौकिक रूप से नहीं देखना है। और सदा जो दूसरा बाबा ने बोला है, सदा भाग्य की निशानी क्या होती, पवित्रता। और बाप एक्सक्यूज मी बाप से सर्व प्राप्ति की निशानी प्राप्तियां होती है। तो जब प्राप्तियां होती है तो इसके कैसे हम जान सकते कि हमें अविनाशी प्राप्ति हुआ, जब हमें खुशी मिलती है। ओम शांति। जी ओम शांति। बाबा ने हमें सदा सुहागनी का निशानी बताई। जैसे हम भक्ति में श्वास श्वास सिमरन करते हैं तो वो भक्ति का जो शब्द होते हैं वो हमारे अनहद नाद बन जाते हैं, क्यों इतने अभ्यासी हो जाते हैं उस शब्दों के। तो जब बहुत प्रयत्न के बाद एक ही बार हम अगर शब्द सुनाई देते हैं तो हम उसको भक्ति को सफल समझते हैं। तो इस प्रकार जब हम अपने बाबा के साथ लगातार अविनाशी बोल और बाप के सम्मुख सुनने का उसको अनुभव करेंगे तो हमें भी अपनी जो कोई भी आत्माओं के बोल सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे, बस एक ही धुन लगे रहेगी कि मेरा बाबा मेरे साथ है। और ऐसी लगन लगेगी जैसे प्यार में कोई ही रांझे के एग्जाम्पल देते हैं, कोई भी हमारे सामने से चला जाए तो हमें मालूम नहीं होगा कि कौन गया कौन नहीं गया। तो हमें ऐसी लगन और ऐसी हमारे को अविनाशी स्मृति का तिलक, पवित्रता का तिलक बाबा हमें लगा रहे हैं और अंत समय तक हमारा यह तिलक सुहागन बनकर रहे। तो हम अपने भाग्य की सारी शक्तियां और सर्वगुण संपन्न होकर बाबा के साथ जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो सुहागिन मतलब मन मना भाव, मन हमेशा बाबा में ही लगे रहे, किसी और की तरफ झुका भी ना हो मन का, तो वो सदा सुहागन है। एक बाबा दूसरा ना कोई। ओम शांति। जी तो सुहागिन की बाबा ने कौन कौन सी निशानी बताई? एक दो तो सबने बताई हैं, एक एक करके बताइए क्या क्या है सुहाग की निशानी। प्योरिटी है, सर्व एक बाप प्राप्ति, दूसरा ना। एक करके बोलिए बोलिए। एक बाप दूसरा ना कोई। अच्छा, और सर्व प्राप्ति सब। जी सुहागन जो होगी वो भाग्यशाली और भाग्य की निशानी सर्व प्राप्तियां। और बताइए। सब शक्ति से भरपूर, सभी शक्तियों से भरपूर। अच्छा, और अविनाशी स्मृति का तिलक। अविनाशी स्मृति का तिलक। ओके, कौन सदा सी स्मृति स्वरूप। सदा स्मृति स्वरूप। अच्छा, गुण ज्ञान और शक्तियों से प्राप्ति, सर्व प्राप्ति। अच्छा सदा और सुहागिन के मन के बोल है, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, साथ रहेंगे। ओम शांति। जी इन्हीं बोलों से जो रहती है वो सदा सुहागिन है। और क्या होता है? बोल बता दिए।
तिलक बता दिया, भाग्य बता दिया, और क्या है? संपूर्ण पवित्र संपूर्ण पवित्रता, पवित्रता, बहुत अच्छा। और अविनाशी खुशी, आत्मा, आत्मा एक अविनाशी। सजनी की, साजन अच्छा की। हाँ, एक साजन की सजनी। अच्छा, और संकल्प और दीदी मेरी में भी कोई भी भी दूसरा से झुकाव नहीं। जी, बहुत अच्छा, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, संकल्प में भी किसी के प्रति झुकाव नहीं, लगाव तो दूसरी बात है। और सदा सुहागिन अर्थात उसके कानों में सदा मन मना भाव का मंत्र गूंजता रहेगा। जी, बहुत अच्छा, तो मन के बोल भी बता दिए, कानों का गुंजन भी बता दिया, और क्या बताया? एक एक लम्हा, एक पल भी साथ नहीं ही चलते, करके बोलिए, क्या बोला आपने? जी, एक श्वास व एक पल भी साथ नहीं छोड़ते। तो श्वास और श्वास, एक पल भी साथ नहीं छोड़ना, और नैनों में सदा साजन की सदा सीरत समाई रहे। जी, जी हाँ, नैनों में सूरत समाई रहे। नैनों अच्छा में और मुख में साजन की सूरत और सीरत। जी, और स्वप्न मात्र भी सदा कोई देहधारी तरफ झुकाव नहीं, तो संकल्प स्वप्न के आगे बाबा ले गए हमें डीप, स्वप्न जी मात्र मीन्स हमारा अंतर मन तक, तो जी वहां तक हमारी क्लीनलीनेस होनी चाहिए। और बार बार स्वयं को सदा लाइट और आत्मिक रूप अनुभव करना। जी, और सदा सुहागिन स्वाभिमान अर्थात सदा कोई भी भाग्यवान। आत्माओं के बोल सुनते हुए नहीं सुनेंगे, तुम्ही से बोलू, तुम्ही से सुनू, तुम्हारा सुना या ही बोलू, ऐसी स्टेज सदा सुहागिन की होती। जी, बहुत अच्छा, एक एक करके बोलिए, जिन्होंने माइक ऑन किया वो एक बोलिए बोलिए। हाँ, सोनाली सदा सिस्टर, सुहागन माना, सदा भाग्यवान, और भाग्यवान की निशानी होते लाइट का क्राउड। जी एक की ही लगन में मगन होते हैं। जी एक बाबा की लगन में मगन। और फिर जिनके कानों में अनादि महामंत्र मन मना भाव का गूंजता है। सदा जी बहुत अच्छा, और अविनाशी खुशी, सर्व प्राप्तियों की निशानी हमेशा अविनाशी खुशी रहेगी। जी, और क्या बताया? और मुख में और इवन सीरत में, सूरत में भी सिर्फ एक साजन ही समाया हुआ दिखाई जी, और जिन्होंने माइक ऑन किए, सोहन भाई जी आपने बोलना दे। जी, बाबा ही संसार है, यही स्मृति रहे। जी, बाबा ही हमारा संसार है, बहुत अच्छा। और सदा बाप के साथ रहना। जी, सदा बाप के साथ रहना, बहुत अच्छा, और क्या मेरा तो एक बताया? शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। अच्छा, और हाँ, किसी कोई भी को आत्माओं के बोल सुनते हुए भी नहीं, कोई भी आत्माओं के बोल सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे। जी, बहुत अच्छा, हाँ, ऐसी आत्मा सदा भरपूरता का अनुभव करती है, हल्की रहती है, क्योंकि इसको। जी और कोई बताएगा? और दीदी सदा सुहागिन होने के कारण विश्व के आगे श्रेष्ठ अर्थात उच्च आत्मा दिखाई देंगे। जी जो बाबा से सुना है वो ही बोलूं, और कुछ नहीं बोलूं। जी जो सदा बाबा बाबा से सुना सुनना, और बाबा का ही सुनना, बाबा का ही सुनाया हुआ बोलना, मतलब बोलना भी क्या है जो बाबा ने सुनाया है, वो सदा सुहागन है। और दीदी, सुना गया संकल्प तो संसार गया। जी, सुहाग गया तो पूरा संसार गया, क्या बोला आपने? सुहाग गया तो संसार गया। जी, अच्छा,
अच्छा, और बाबा ने ये सुहागिन के लिए महापाप क्या बताया, कंपेयर करके बताया ना बाबा ने, तो यहाँ हमारे को अलौकिक में क्या है महापाप? किसी और आत्मा की तरफ जी झुकाव महापाप है। जीवन स्वप्न स्वप्न मात्र भी, संकल्प, स्वप्न मात्र मात्र, संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी, देहधारी आत्मा। अब वो देहधारी हमारे लौकिक परिवार के, अलौकिक परिवार के कोई भी हो सकता है ना? तो किसी की तरफ हमारा झुकाव भी ना हो, ये समझ के कि ये मेरा संबंध है इसके साथ, इस शरीर का, तो वो झुकाव भी ना हो, इसका भला वो भी हो। आता हाँ, जी, कहते हैं ना, वो भी आता इसकी आगे नहीं है। बढ़े, वो हम बाबा से करते हैं अपने परिवार के लोगों के लिए, तो वो झुकाव हो रहा है वहां पे, तो वो भी क्या है, महापाप है। बोलिए, हैंड रेज किया है अश्विनी सिस्टर, बोलिए। ओम शांति। बाबा बोलते व्यर्थ बोल नहीं सोचना है, व्यर्थ गवाना नहीं है संकल्प में कभी भी। जी, तो अच्छा, बाबा ने एक बात कही कि सुहागन यानी कि सदा भाग्यवान, सुहाग है तो भाग्य भी है, और भाग्य की बाबा ने क्या निशानी बताई, सदा भाग्यवान। लाइट का क्राउन, जी, लाइट का क्राउन, प्राप्ति शक्ति संपन्न। शाली, एक ही करके बोलिए, क्या बोला? शक्ति बोलिए शाली, बोलिए दीप्ति बहन जी। शक्तिशाली, ओम शांति, शक्तिशाली, अच्छा, भाग्यवान, ईश्वर का निशानी क्या है, बोलिए बोलिए, अपूर्ण ताकि स्वरूप, प्योरिटी, भाग्यवान का माना ही लाइट का क्राउन और प्योरिटी बताया, और बाबा ही सर्व प्राप्ति का अनुभव करना है। हाँ। तो बाबा ने दो बातें बताई, ईश्वरी भाग्य की जो निशानी है वो लाइट का क्राउन है। अभी बाबा ने उसके, और वो जो लाइट का क्राउन है वो कैसे मिलेगा हमें, उसके लिए बाबा ने दो बातें कही फिर से। एक तो है प्योरिटी, पवित्रता, और सर्व प्राप्ति। तो प्योरिटी के लिए बाबा ने क्या बताया इसमें, कोई क्या बताया कि क्या है प्योरिटी, कोई मनसा बताएगा? में, मनसा में भी किसी जी, भी आकांक्ष नहीं हो। कोई भी विकार का अंश ना हो, सिर्फ पवित्रता, जो दैहिक पवित्रता की बात नहीं की बाबा ने, बाबा ने कहा मनसा में भी कोई भी विकार का अंश भी ना हो। बहुत डीप बात है ये, और बाबा तो मुरली में बोलते हैं व्यर्थ भी अपवित्रता है। पिछली जो थी एक अवैध मुरली, उसमें बाबा ने कहा था लास्ट वीक की। तो और बाबा ने क्या बताया, सर्व प्राप्तियां कौन सी हैं? गुण, ज्ञान, गुण और सर्वशक्ति, ज्ञान, सर्व गुण और सर्वशक्तियां। जी, तो बाबा ने कहा इसमें से अगर एक भी कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, धुंधला होगा, कम होगा। तो बाबा कह रहे वो स्पष्ट नहीं होगा, जैसे बाबा ने उसका एग्जाम्पल भी दिया है, छिपा हुआ बादलों में। तो इसके लिए बाबा ने और क्या क्या बताया, कोई बताएगा? बाबा ने इसमें मुरली में बहुत सारी बातें बताई हैं इसके लिए। कोई शेयर करेगा इसके लिए, इसके बारे में, जो बाबा ने लाइट के क्राउन के लिए बताई हैं? बाबा ने कहा कि जैसे वो, जैसे जहां लाइट का क्राउन स्पष्ट नहीं होगा तो वो खुद को लाइट आत्मा रूप में भी अनुभव नहीं करेगा, उसे बार बार आत्मिक रूप में स्थित होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। वो जी, नेचुरल का नेचुरल संस्कार नहीं बन पाएगा बहुत कि अच्छा, वो आत्मा के बजाय शरीर देह अपने को अनुभव करेगा। मैं आत्मा लाइट हूँ, उसमें स्थित नहीं होंगे। जी। और क्या बताया इसमें, इसी में बाबा ने बताया? और भाग्य का आधार ही है सर्व प्राप्ति है, और अविनाशी खुशी बाबा ने बताया था। जी,
बाबा ने सदा बताया था भाग्यवान। संपूर्ण प्यूरिटी अर्थात मनसा में भी किसी एक विकार का अंश न हो। सर्व प्राप्ति अर्थात ज्ञान गुण और शक्तियां, इनकी प्राप्ति, अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। जी, तो बाबा ने कहा जो सदा भाग्यवान है उसकी जो निशानी है वो क्या है? सदा वो सदा खुश खुशी रहेगा। देंगे। इसको बाबा ने वाइस वर्सा करके करा है, मतलब कि भाग्य कम है तो खुशी भी कम है, और खुशी कम है इसका मतलब सदा भाग्यवान नहीं। तो आपने इसको कैसे समझा है? इसका मतलब अगर हम खुश रहेंगे तो हमें भाग्य भी मिलेगा, सदा खुश रहे। जैसे बाबा कहते हैं कि शरीर भी छोड़ना पड़े, मतलब वो छूट जाए पर आपकी खुशी नहीं जानी चाहिए। तो जी मतलब अगर आपकी स्थिति ठीक होगी तो आगे आपको आगे शरीर भी या आगे जो भी आपकी गति है, सद्गति है, वो भी उसी प्रकार से अच्छी होगी। तो खुशी को बाबा बहुत बारी आधार बोलते हैं, कुछ भी हो जाए खुशी ना जाए। जी, बहुत अच्छा। तो लास्ट में बाबा ने हम सबके लिए बोला है, सभी के लिए। अब ये जो हमने अभी तक सभी ने डिस्कस किया कि सदा सुहागन की क्या निशानी है और भाग्य की क्या निशानी है, हम सदा भाग्यवान आत्मा है, तो वो सभी हम सब लोगों ने डिस्कस किया। तो लास्ट में बाबा ने कहा चेक करो मैं कौन हूँ। तो कोई एक एक करके बताएंगे वो मैं कौन हूँ इस मुरली के आधार पर? अविनाशी स्मृति तिलकधारी मैं आत्मा हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कोई बताएगा? अच्छा, मैं सदा सुहागिन, सदा भाग्यवान, सदा सुहागिन। और एक एक करके बोलिए सभी। सदा मन सर्व, भरा भव का मंत्र मन में गूंजता रहने वाली आत्मा। अच्छा, और सर्व प्राप्ति संबंध बाप समान मैं आत्मा हूं। अच्छा, मुझ आत्मा के बोल, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। जी एक साजन की सजनी, जी सदा एक की जी लगन में मगन, जी शिव बाबा की सजनिया। जी एक दूसरा ना कोई, जी मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। जी और मैं अविनाशी खुशी धारण किए हुए आत्मा हूं। जी मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। जी मैं शिव की सजनिया सदा उमंग उत्साह में रहने वाली हूँ। जी मैं हर श्वास और हर पल बाप को याद करने वाली संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। जी बहुत अच्छा। और मैं तुम्हीं से मैं बोलूं, तुम्हीं से खाऊं, तुम्हीं से सुनूं वाली आत्मा हूं। जी मैं अविनाशी भाग्य का सितारा हूँ। जी मैं शिव साजन के सामने बैठी हूँ, उन्होंने मेरे मस्तक पे आत्मा का तिलक लगाया, आंखों में रूहानी काजल डाला, मुख पे मुस्कान और गले में विजय की माला पहनाई। बोलिए। मैं आत्मा सदा लाइट हूँ। सुहागिन, सदा भाग्यवान आत्मा हूँ। एक-एक करके बोलिए बोलिए। नीरज जिनके फोन का नाम है वो भी बोल सकते। जी, मैं आत्मा लाइट हूँ। लाइट हूँ, अच्छा। और मुझ ओम आत्मा का शांति। मन बाबा में लगा हुआ है। जी बोलिए आशा मैं बेन जी। शिव बाबा की सजनी हूँ। ओम शांति। जी मैं हर पल शिव साजन की याद में रहती हूँ। जी बहुत अच्छा। तो सभी बाबा की सदा सुहागन, सदा भाग्यशाली आत्माएं, संपूर्ण प्योरिटी वाली आत्माएं और सदा अविनाशी खुशी में रहने वाली सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हम सभी बाबा की अविनाशी साजन की सजनियां हैं।
तो अभी सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया, और जिस जिसने जो जो बताया मैं कौन हूं, तो बहुत अच्छा, उसी स्मृति में सभी हमेशा रहे। तो अभी हमें राधिका सिस्टर होमवर्क भी देंगे कल के लिए, और 1 मिनट योग भी कराएंगे लास्ट। ओम शांति। कल्पना दीदी ने बहुत ही अच्छे से सारी मुरली रिवाइज करवाई बहुत सुंदर प्रश्नों के द्वारा, तो बहुत अच्छा लगा। तो अब कल के लिए जो होमवर्क है वो ये है कि अपने स्मृति का तिलक बार बार ये लगाना है, क्योंकि जैसे कि ये बिंदी खिसक जाती है ना, तो कम से कम दिन में हम पूरा कल का एक दिन कम से कम, और हो सके तो आगे भी कम से कम, हर कोई अपने लिए डिसाइड करे, कम से कम 11 बार हम ये स्मृति का तिलक बार बार धारण करेंगे। और ये लाइट का क्राउन भी, कि बाबा ने वो पवित्रता की चेक करना है कि पवित्रता कायम है ना, तो क्योंकि पवित्रता इतनी सूक्ष्म है कि व्यर्थ संकल्प या संकल्प मात्र भी किसी और की तरफ अगर ऐसे झुकाव जा रहा है तो वो अपवित्रता में काउंट हो जाता है। तो ये चेकिंग करते जाना कि अपने लिए जो एक श्रेष्ठ स्वमान रखा हुआ है उसकी स्मृति रखनी है, और दूसरा कि मेरा जो एक बाप दूसरा नहीं, इसमें मैं स्थित हूँ, तो माना मेरा लाइट का क्राउन बढ़ता चला जा रहा है। तो इन विशेष दो चीजों को, तिलक और क्राउन को, बार बार 11 बार कम से कम गिन करके पूरे दिन में चेक करना है कि तिलक और ताज मेरा ठीक से लगा हुआ है ना। तो ये कल के लिए होमवर्क रहेगा। अभी फिर 1 मिनट के लिए बैठेंगे। इसमें मैं कमेंट्री नहीं दे रही हूँ, लेकिन बाबा के पास जाना है और बाबा से वो अविनाशी तिलक अभी ही धारण कर लेना है, और बाबा से अपने अपने लिए, जैसे कि आप सबने बहुत सुंदर वो श्रेष्ठ स्वमान दिए, तो वो आपको अपने लिए लेना है बाबा से। बाबा से फील करें बाबा आपको दे रहे हैं, और बाबा ने आपको लाइट का ताज भी दे दिया है। सभी साथ में पोल का रिप्लाई भी कर सकते हैं, और जो राधिका सिस्टर ने हम सभी को योग के लिए कहा है उसमें सिद्ध हो जाएं। ओम शांति। राधिका सिस्टर आपका धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। गुड नाइट। ओम शांति।